নমস্কার, আমি সম্পূর্ণ ইভেম নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদেরকে এক্ষুনি একটা ভিডিও দেখাবো, যেটা হচ্ছে বিআর আম্বেদকরের গ্র্যান্ডসন রাজেন্দ্র অশোক আম্বেদকর। পাকিস্তানে তিনি গিয়েছিলেন কনস্টিটিউশনাল রাইটের ওপর একটা কনভেনশনে তিনি অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলেন। সেই কনস্টিটিউশনাল রাইটের ওপর অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে তিনি সেখানে তো যা বলার বলেছেন, এবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি যেভাবে ভারত বিরোধী যে বক্তব্য তিনি রাখলেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আম্বেদকরের নাম নিয়ে এই সমস্ত লোকজন কি করে বেড়াচ্ছে, এদের পরিবারের লোকজন কি করে বেড়াচ্ছে, সেটা একটু দেখে নিন। জয় ভীম, আজ হাম লোগ ইহাঁ পর পাকিস্তান মে কনস্টিটিউশনাল রাইটস পর জো কনফারেন্স থি উসকে লিয়ে মে আয়া হুঁ, और बींग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊँ कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, संविधान के वजह से, जो कौम पानी पीने के भी हकदार नहीं थी आज वो, और बैलगाड़ियों में भी बैठने के हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से है। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं इंडिया में, जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहाँ पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति, जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स दलित्स इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने, जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहाँ का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियाँ अब सत्ता में आई है, तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो जो चल रहा है वो सारी बातें वहाँ रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए, उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था उसको लेकर हम लोगों ने वहाँ पर फाइट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने दो लोगों को इंडिया में भेजा था, और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूँ ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूंगा, इंडिया पाकिस्तान बाकी के ये जो टेंशन्स चल रही है, इंडिया के लोगों को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं, तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की, भले ये गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहां इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है, और मैं आज यहां से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं कि इंसानियत यहां पर कायम है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर्स और ये सारी है ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ।
पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों के खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहां पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू। देख ले जे एई राजेंद्र अशोक अम्बेदकर একদম ভারত বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন তিনি, এবং তিনি একথা বলছেন যে পাকিস্তান নাকি ভারতের থেকে পাকিস্তানের অবস্থা নাকি অনেক ভালো, কারণ এই ডেমোক্রেসি এত ভালো যে পাকিস্তানে যদি এখন ভারতকে থেকে তাকে বলে বিজেপি সরকার আরএসএস তাকে যদি বলে যে তুমি দেশ থেকে বেরিয়ে যাও পাকিস্তানে গিয়ে থাকো তাহলে সে স্বচ্ছন্দে পাকিস্তানে চলে আসবে। এই কথাগুলো যখন বলছে তখন বোধ হয় এই আম্বেদকারের এই নাতির রাজেন্দ্র অশোক আম্বেদকারের বোধ একটা জানা নেই যে পাকিস্তান এখন এখানে 20 লক্ষ শরণার্থী আফগান শরণার্থীকে বলেছে দেশ থেকে বেরিয়ে যাও, আপনি ভারতবর্ষ থেকে যে মুসলমানরা ওদেশে গিয়েছিল তাদেরকে ওরা মহাজির বলে, তাদেরকে ওরা বিশ্বাস করে না, তাদের প্রতি ওদের কি মনোভাব সেটা একবার বি আর আম্বেদকারের এই যে নাম নিয়ে যিনি অপমান করছেন, আম্বেদকারকে অপমান করছেন, তার যে নাতি এই রাজেন্দ্র অশোক আম্বেদকারকে বলবো এই ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিন তাদের ওখানে কি অবস্থায়, মহাজিরদের কি অবস্থা, তারা মহাজির কৌমি মুভমেন্ট বলে একটা আন্দোলন তৈরি করে নিজেদের জন্য লড়াই করতে হয়, আর সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি যাবেন ওই দেশে আপনার কনস্টিটিউশনাল রাইট নিয়ে নাকি আপনি থাকতে পারবেন সেই দেশে, যে দেশে মুসলমান ছাড়া কেউই কনস্টিটিউশনের হাইয়েস্ট বডি কখনোই পাবে না, এটা সেই দেশের কনস্টিটিউশনে এটা লিখিত রয়েছে। সেই দেশের থেকে নাকি সেই দেশ নাকি ভারতের থেকে অনেক বেশি ভালো, অনেক বেটার, এটা তিনি দাবি করছেন। এবং আমার ধারণা এর, আমার মনে হয় এত ভারত বিরোধী অবস্থানের পেছনে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো রহস্য আছে, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বিষয় আছে, সাবজেক্ট আছে, যে এজেন্ডাটা কোথা থেকেও সেট হচ্ছে, এই ভারত বিরোধী এজেন্ডা যারা গোটা বিশ্বজুড়ে তৈরি করছেন, এমনকি ভারতের মধ্যেও যারা এই ভারত বিরোধী এজেন্ডা সেট করছে, সেই ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে এদের কোথাও না কোথাও একটা যোগসাজেশ থাকলেও থাকতে পারে। বি আর আম্বেদকারকে অপমান করে বি আর আম্বেদকারের নাম নিয়ে যারা এইভাবে ভারত বিরোধী অবস্থান নিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে ভারতের মানুষের ধারণা যে খুব খারাপ হবে এটা বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে আগামী দিনে এই ধরনের মানুষ যারা এইরকম মহাপুরুষদের নাম নিয়ে তাদেরকে অপমান করে, ভারতকে অপমান করা মানে বি আর আম্বেদকারকে অপমান করা, সেই অপমানের দায় নিয়ে বয়ে বেড়াতে হবে এই গ্র্যান্ডসন, বি আর আম্বেদকারের গ্র্যান্ডসন কি ভবিষ্যতে, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। আমাদের এই সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর থাকবে, আপনাদের নজর থাকুক ইভিএম নিউজের পর্দায়। নমস্কার।